जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड के बहुत सारे जिलों में चौकीदार का बहाली आ रहा है और जिसमें 50 प्रश्न के एग्जाम हो रहे हैं, उनमें से आपका 10 प्रश्न मैथ के आ रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। अभी हम लोग का विशेष रूप से फोकस है साहिबगंज चौकीदार के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में पलामू में, उसके बाद पाकुड़ जिला में एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ के जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उसी टाइप का प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। कल मैंने आपका इसका एक प्रैक्टिस सेट बनाया था जिसमें आपका 10 प्रश्न थे, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाइए, तो ये हमारा आपका पार्ट टू होने वाला है जिसमें आपका 10 प्रश्न रहेगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, संख्याएं 7, 6, 13, 15, 14, 21 और x का औसत दिया गया 11 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो x है इसका मान ज्ञात करना है। ये सभी संख्या का औसत आपका 11 है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या का कुल योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर सूत्र होता है आपका, योग बराबर क्या होता है, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या गुना औसत, औसत। तो देखिए यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 संख्या है, तो 7 लिख देंगे। और औसत कितना है, 11 है, तो 11, 7 कितना हो जाएगा, 77। यानी सभी संख्याओं को जोड़ने पे 77 आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 6 संख्या का जोड़ लेंगे कितना आता है, और जितना कम रहेगा वहां पे x का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 13 26, 26 और 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 26 और 15 41, 41 और 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 55, 55 और 21 क्या हो जाएगा, 76। तो यहाँ पे 76 हो गया, यानी 6 संख्या को हम लोग जोड़े तो कितना आ गया, 76 आ गया। और बचा हुआ है x, x का वैल्यू कितना रखेंगे, 77 हो जाए, यानी इसका वैल्यू हम लोगों ने 1 रखेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 1 रखेंगे यानी x का मान आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हो गया आपका आंसर, यानी इसका मान 1 रखे और सभी का औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 77, यानी 11 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन है आपका, प्रथम 15 विषम संख्या का औसत क्या होगा। आप लोग यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, लिखने में 10 सेकेंड लगेगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। 20 प्रश्न यहाँ पे सोल्व करने में लगभग, सॉरी 10 प्रश्न सोल्व करने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन लिख के पढ़ाएंगे फिर भी, क्योंकि उसी प्रकार का साधन है तो क्वेश्चन आपको लिख के ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बार बार यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत होगा, बार बार कट लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिख के, इसलिए आप इस तरह ही सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा आप लोग वीडियो के क्या इसको वहाँ पे स्किप कर लीजिएगा जब क्वेश्चन लिखेंगे, अगर आपको स्किप करना हो तो। क्वेश्चन आपका, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 15 विषम संख्या क्या है पहले देख लेते हैं। पहला शुरू होगा क्या, 1 होगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। इसी प्रकार से जो 15 नंबर का विषम संख्या आएगा वो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए इसका योग पूछा है। तो योग बराबर एक सूत्र आता है, क्या आता है, एस एन बराबर, यानी सम ऑफ एन संख्या, एस मतलब सम हो गया मतलब योग, और इसका आता है एन बाई टू ब्रेकेट ए प्लस ए एन। ये श्रेणी क्रम में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 का, क्लास 9 में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या सम निकालना है, यानी योग निकालना है इन संख्याओं का। तो एन का वैल्यू कितना है, तो 15 विषम संख्या बोला, तो एन का मान हो जाएगा आपका कितना, 15 मान लेंगे। और n यानी अंतिम पद कितना है, अंतिम पद दिया गया आपका 29 दिया गया। प्रथम पद a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू दिया गया आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, इसे प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद जो अंतर रहेगा उसे d कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र में हम लोग सेट कर लेंगे, ये योग का सूत्र है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, n का मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख देंगे। और नीचे में 2 है, ब्रेकेट में दिया गया है, यहाँ पे a का मान क्या, 1 है, प्लस an बराबर आ जाएगा 29। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 है यहाँ पे, तो एक बार नीचे में लिखते हैं। यहाँ पे नीचे में पता नहीं कैमरा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ पे साइड में लिखते हैं, चल यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 15/2 तो रह जाएगा, इसको जोड़ेंगे 29 से 1, 30 हो जाएगा, गुना में आ जाएगा 30,
दो से काटेंगे 15 बार में, बच गया क्या, एक बचा 15, यहाँ पे एक 15, यानी 15 को 15 से गुना करना है, तो निकल के आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 225। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, क्या करना है, औसत निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे प्रथम प्लस अंतिम बाय 2 और जितना संख्या उतना से गुना। तो आप लोग यही वाला याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं कितना 3 नंबर सवाल में, ये आपका 2 नंबर सवाल था। इसी तरह के इजी प्रश्न आपके चौकीदार में आ रहे हैं, क्योंकि लेवल ना चौकीदार का, ये थोड़ा ना SSC रेलवे का है, चौकीदार 10th पास का वैकेंसी है, इसी वजह से यहाँ पे मैथ का जो प्रश्न आएगा काफ़ी इजी आएगा, उतना हार्ड नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न आपका त्रिभुज वाले, वर्ग वाले, थोड़े फंसाने वाले होते हैं, वो सब भी प्रश्न कराए जाएंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसे बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न बोलेगा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में या फिर बी किसी कार्य को 20 दिनों में, और जब भी बोलेगा दोनों मिलके, तो इसका सूत्र है आपका ए गुना बी नीचे में a+b, ये आपका सूत्र है। तो चलिए इसे सेट कर ले, ए कितना दिनों में करेगा 15 में, और बी कर रहा है कितना 20 दिनों में, और नीचे में क्या हो जाएगा a+b, यानी 15+20। तो यहाँ पे देखिए 15 × 20 तो वही रह जाएगा, और नीचे में देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए 5 से कट रहा, 5 से कितना 3 बार में, 5 से कितना 7 बार में, 3 × 20 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, और नीचे में 7, तो भाग देंगे कितना 7 से 8 बार में गया, और पूर्णांक में क्या बच जाएगा, बच गया 56 हो, तो 4 बचा, नीचे में 7, ये हो गया आपका आंसर, यानी 8 × 4/7 दिन में पूरा करेगा। ये आपका 3 नंबर सवाल का आंसर, इस तरह से आप सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर सवाल में चलते हैं दोस्तों। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा व्यू आएगा तो नेक्स्ट पर आपको मिलेगा, जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें करीब अच्छा खासा लगभग 25-30 कमेंट आया था, और लाइक लगभग 200-300 लाइक आए थे, तो इसी वजह से ये पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो 4th नंबर सवाल है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना 1024 सेंटीमीटर है, 1024 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तो है, तथा इसकी लंबाई 64 मीटर है, तथा इसकी लंबाई दिया गया है कितना 64 मीटर, तो चौड़ाई क्या होगा, तो इसकी चौड़ाई क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है तथा उसका लंबाई भी दिया गया है और इसका चौड़ाई आपको बताना है, तो इसका सूत्र होता है आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया आपका कितना है 1024 है, और यहाँ पे एल का मान भी दिया गया 64, और बी का मान दिया गया आपका कितना, बी का मान हमें निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लिए। 64 से कितना बार में काटेगा, देखिए काटते हैं इसे, 8 से कितना बार में, 8 बार में काटेगा, 8 से काटेंगे, 8×8 बच गया 2, 22 हो गया, 8×2 16 बच गया 6, तो 64 हो गया, 8×8 64 इतना आ गया, फिर 8 से 8 में काटेंगे,
8 से कितना बार में, 8 एक 8 बज गया 4, 12 है तो 48, 8 6 48 यानी 16 आ जाएगा, कितना एक बार। तो b बराबर आपका कितना निकल गया, आपका b बराबर 16, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था ये प्रश्न आपका, जो पाकुर में चौकीदार का एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कितना, 4 नंबर, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। 20 मिनट से पहले आपका 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेट हो जाता है बोर्ड में लिखने की वजह से, वरना 10 क्वेश्चन आपका 10 मिनट लगता। 5 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया आपका, एक दिया गया त्रिभुज दिया गया है, उसका कोण बताना है आपको। इस तरह का आपका ये फिगर है, ए वाला एंगल आपको बताना है। ये आपका है ए, ये आपका बी, ये सी है और ये आपका डी है। इसका मान दिया गया आपका 75 डिग्री, 75 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। ये वाला कोण का मान आपको बताना है, ठीक है। यानी कोण ए सी डी बराबर आपको निकालना है। इसका आंसर आप लोग निकाल के कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज का कुछ आपको सूत्र याद रखना, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा कितना कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। एक सीधी रेखा जब भी जाता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, चाहे इधर का लो चाहे इधर का लो, कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है रेखा ना सीधा जा रहा है, तो ये भी 180 बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए वाला कोण कितना है, 75 है, और ए वाला कोण कितना, 45 है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 4 11 1 12 120। इन दोनों मिलकर 120 है, और ए वाला कितना हो जाएगा, तब साइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण होगा, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 बात करेंगे तो साइड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये साइड हो गया, तो ये सीधी रेखा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक साइड हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोण ए सी डी बराबर आ जाएगा 120 आंसर। अब देखो दूसरा तरीका बताते हैं, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी ए वाला कोण और ए वाला कोण मिला के जितना होगा, ए वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है। ए वाला कोण और ए वाला कोण उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा, इस तरह से भी बन जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन 20, यानी 120 आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपका था 5 नंबर सवाल। दोस्तों अगर साहिबगंज चौकीदार का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, इसका जो साहिबगंज जीके का कोर्स मिलेगा आपको, 600 प्रश्न मिलेगा आपको, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें जिस प्रकार से आप लोगों ने टेस्ट बुक में अगर टेस्ट दिए होंगे, एक क्वेश्चन रहता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको 600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 2 तारीख को मिल जाएगा, गांधी जयंती के दिन, मेरा ही चैनल पे। आपको क्या करना है, वहाँ पे उस दिन वीडियो आएगा आपका, उसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से परचेज करना है। आपको फोन पे नंबर दिया जाएगा, उसका कोर्स का प्राइस रखा जाएगा 300, जिसमें साहिबगंज से संबंधित 600 प्रश्न आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल आपका ऑप्शन वाइज आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे कौन सा गलत कौन सा सही है, वहाँ पे इस तरह से टेस्ट के माध्यम मिल जाएगा, और एक भी प्रश्न आपको उसमें छूटने वाला नहीं है साहिबगंज से। आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, एक दिन पहले आपको डेमो दिखा दूंगा, यानी 1 तारीख को मैं आपको उसका डेमो दिखाऊंगा कि इस तरह से आपका टेस्ट बुक में नहीं, आपको यहाँ पे टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। किस तरह से सेट रहेगा मैं आपको दिखा दूंगा मोबाइल पे, और अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का होने वाला 6 नंबर सवाल, 5 नंबर तो हो चुका है, सारा प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे जाएंगे 4 ऑप्शन रहेंगे उसी प्रकार से, लगभग 600 प्रश्न रहेगा। 6 नंबर सवाल है आपका, मोहन एक कार 7200 रुपया में खरीदा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। एक मोहन लड़का है, उसने एक कार खरीदा, कितना में, 7200 में। मोहन जो है नाम लिख देते हैं पहले, मोहन एक कार खरीदा कितना में, 7200 में, 7200 रुपये में खरीदा। और उसके बाद उसने वह सही करने में यानी मरम्मत कराने में 800 रुपये खर्च किया, कार को सही कराने में खर्च कितना किया, मरम्मत में खर्च, यानी ठीक करने में खर्च कितना किया, 800 रुपया किया। अब उसके बाद कह रहा है उसने कार को 10000 रुपये में बेचा कितना में, वो गाड़ी को ठीक करके और बेच दिया कितना में, 10000 में बेचा। तो पूछ रहा लाभ परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत आपको, ये वाला आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे देखिए तो लाभ कितना हुआ, तो पहले उसका क्रय मूल्य कितना पड़ गया, पहले इतना में खरीदा और फिर 800 खर्च किया, यानी उसका टोटल 8000 लग गया, जोड़ेंगे 7200 प्लस 800 यानी 8000 उसका पड़ गया क्या, सीपी पर लिया। सीपी मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इतना में उसका पड़ गया यानी इतना में खरीदा और इतना खर्च किया, तो उतना तो उसका प्राइस हो गया। अब बेचा कितना में, देखिए 10000 में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा कोई बता पाएगा? देखो 10000 में बेचा, 8000 में खरीदा, यानी उसका लाभ हो रहा है यहाँ पे 2000 का। 8000 पड़ गया इधर खरीदने में और यहाँ पे कितना हो गया, 10000 में बेचा, 2000 लाभ। लेकिन क्वेश्चन में 2000 नहीं निकालने के लिए कहा, कहा गया लाभ प्रतिशत में निकालो, तो प्रतिशत में निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होगा आपका, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ, 2000 हुआ। उसने पैसा कितना निवेश किया था, 8000 किया था, पहले इतना लगाया और फिर किया यहाँ पे 800 रुपया खर्च किया, तो यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और प्रतिशत बनाने के लिए कल मैंने बताया था 100 से गुना करना पड़ता है। अब देखो काटो, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कट गया, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 से 100 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो ये हो गया आपका 25% आंसर, कितना आ जाएगा आंसर, लाभ हो जाएगा 25%। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ये था आपका 6 नंबर सवाल। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि लाइन का भी गारंटी नहीं है कब भाग जाएगा। और मैथ का क्लास हम लोग आप यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों को कराया जाएगा, पहले अभी मैथ का खत्म करते हैं, लगभग सिलेक्टेड प्रश्न को कुछ ले लेते हैं, 200-300 प्रश्न करा देंगे, उसके बाद आपका रीजनिंग का भी इसी में मर्जिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण का 7 नंबर क्वेश्चन होगा शायद। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है आपका 6 × 5 + 9 भागा, इस तरह का प्रश्न एगो अवश्य आएगा एग्जाम में, 3 × 4 + 7 इसको हल करें, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताइए, जिसको लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके और कमेंट कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कल मैंने बताया था एक ट्रिक बोर्ड मास का, BODMAS, जिसने भी देखा वो जानता होगा। 20 होता है ब्रेकेट, इधर से काम करके जाना है, पहले ब्रेकेट ऑफ मतलब हो गया का, उसके बाद डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से हो जाएगा एड यानी जोड़, और एस से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, लास्ट में घटाओ करना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रेकेट का काम करेंगे, 5 × 6 = 30, प्लस है तो प्लस देंगे, अब हमें भाग का काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफ का नहीं है कुछ, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पहले आपको गुना नहीं करना है कि 3 × 4 = 12 से गुना कर दिया और फिर भाग देंगे, ऐसा नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे 3 से भाग देना है, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा, उसके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे और 4 दे देंगे, प्लस में 7 है तो 7 देंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 × 3 = 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 7, 30 × 12 = 42 + 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, इस तरह से आपको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान सवाल था ये 5-6 क्लास का बच्चा भी आसानी से बना लेगा। देखो साहिबगंज चौकीदार में ना, अगर आपको जॉब पक्का करना है तो आप रनिंग कीजिए और अच्छा खासा तैयारी कीजिए। अगर आपको तैयारी करने में थोड़ा सा कमजोरी है, अगर आपको जानकारी नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सर जो हैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन का गारंटी नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन आपको कोई भी क्लियरली नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक भी प्रश्न अगर आप साहिबगंज का छूट जाएगा तब आप कह सकते हैं कि प्रश्न एक भी छूट गया था, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर हो गया 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन की चाल दिया गया आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 150 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे थोड़ा स्पीड में लिखते हैं, राइटिंग थोड़ा सा ना बिगड़ सकता है, इसलिए आप लोग राइटिंग में उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे 150 मीटर, ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
कहा गया एक ट्रेन की चाल दिया गया, ये प्रश्न भी इस तरह के एगो जो पाखरू में अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ चौकीदार वाला उसमें भी आया था, ठीक है। और यहाँ पे फलाऊ में भी हुआ था ना, उसमें भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पे दूरी दिया है कि इतना दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मीटर में, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो 108 है, 108 तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए आपका 5/18 से गुना करना पड़ता है। याद रखिएगा किस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा बनाना है तो इसी का उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से गुना। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, 18 से कट जाए कितना, 6 बार में 5 को 6 से गुना 30, यानी 30 हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये आपका स्पीड आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो सूत्र आपका यहाँ पे सूत्र होता है D = टाइम * स्पीड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस तरह समझ नहीं आता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी टाइम बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा स्पीड, या स्पीड बराबर दूरी बटे समय। इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी नीचे आ सकता है। तो आपको जैसा पसंद हो उसमें सेट कर लीजिए, ये दोनों सूत्र है, ठीक है। दोनों सूत्र क्या है, एक ही चीज़ है। तो हम लोग को क्या करेंगे इसी में सेट कर लेंगे। तो दूरी दिया गया आपका कितना, 150 मीटर बराबर, यहाँ पे दिया गया टाइम, आपको क्या करना निकालना है, समय निकालना है। स्पीड दिया गया आपका निकल का कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका टाइम निकालना है। 0 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी टी बराबर आ गया कितना, 5, यानी टी बराबर निकल गया कितना, 5 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, टी बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। इस तरह से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, 9 नंबर में, ये हो गया 8 नंबर सवाल। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पिछला वीडियो में अच्छा खासा लाइक आया था, लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कितना लाइक आता है। जितना लाइक आएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। अगर अच्छा से लाइक आता है वीडियो में, तो कमेंट आता है, तो कल लगभग अच्छा ही चला था वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल है आपका। यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है आपका, काउंटिंग वाला है, फिगर काउंटिंग। एक आकृति दिया गया, इसमें कितने वर्ग है आपको बताना है। ये फिगर है, इसमें काउंट करके बताइए कि इसमें कितने वर्ग है, वर्गों की संख्या बताइए, क्या बताना है, वर्गों की संख्या ज्ञात करें, वर्गों की संख्या ज्ञात, इसमें कितने वर्ग आपको बताना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। देखो इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा आपको वर्ग गिनने के रहेगा, और बराबर से घर रहेगा, देखो 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3, तो आपको इजी ट्रिक लगाना है, लिख देना 1 2 3 आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर करके लिख देना। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और तीनों को आपको जोड़ लेना है, 9 4 13 1 14 14 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अगर बहुत सारे बच्चों को, अगर मान लो आप भूल गए किस तरह करना, स्क्वायर करना है या फिर क्या करना है, अगर याद नहीं है तो इस तरह से बना सकते हैं। पहले क्या करना है, छोटा वाला वर्ग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी छोटा वाला वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। अब बड़ा वाला वर्ग गिनते हैं हम लोग, देखो यहाँ से मिलके एगो वर्ग बन रहा है, 4 को मिला के एगो बना, उसी प्रकार ए वाला से 4 को बनेगा, यहाँ से देखो 1 4 को बना इसमें, उसी प्रकार ए वाला कोना में 4 को इस तरह कर लेंगे तो 1 बन जाएगा, इसी कोना में 4 बन जाएगा, तो कितना बन गया, 4 1 1 करके 4 कोना में 4 बन जाएगा, यानी इस तरह का आपका कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, 9 4 13। अब सबसे बड़ा वाला एगो है यहाँ से यहाँ तक, सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 1, तो जोड़ेंगे इसे भी आ जाएगा कितना आपका, 14 ही आएगा। इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, अगर सूत्र याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और आज का आखिरी सवाल, 10 नंबर सवाल, इसे हम लोग मिटा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन है आपका, 5000 रुपये का 10% साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की
दर से दो वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, पी आर टी बाई 100। पी आर टी बाई 100, पी मतलब है कि आपका प्राइस जितना है आपका कीमत देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 5000 है। टी मतलब हो गया रेट, सॉरी आर मतलब हो गया रेट, रेट कितना है 10%, तो क्या रखेंगे 10 लिख देंगे। समय, टी मतलब टाइम, समय कितना दिया गया 2 वर्ष है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। नीचे में 100, देखो ये 100 कहाँ से आता पता है, इसी का ना परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, उसी वजह से सीधा हम लोग क्या करते हैं, ये सूत्र है आपका, सूत्र में ही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे काटेंगे, 100 कैंसिल, फिर 100 कैंसिल, बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे बच गया 500, यानी 500 को 2 से गुना करना है, 500 को क्या करना है 2 से गुना, आपका निकल कर आ जाएगा 1000। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल 10 प्रश्न थे, 10 में से आप पहले से कितना जानते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर को आपका लॉन्च होगा, उसके बाद आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका वैलिडिटी रहेगा आपका एग्जाम तक, जब तक आपका साहिबगंज जिले का चौकीदार का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।